कंसंट्रेट, एक्सरसाइज का नंबर 10, चैप्टर नंबर 9। अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग। दोज एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड द मिडल वन इज ऑफ आयरन। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। बोला 3 वायर्स हैं, उसमें से 2 जो हैं कॉपर के हैं, 1 जो है वो आयरन का है। अगर कॉपर और आयरन दोनों वायर पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम टेंशन लगा रहे हैं, तो उनके डायमीटर्स का रेशियो फाइंड करो। अब पहले मुझे बताओ, कॉपर का यंग्स मॉडुलस क्या होता है? और साथ में आयरन का भी बताना, Fe का। दोनों बताओ कितना होता है, न्यू बुक में बताना कॉपर और आयरन। सर कॉपर का 110। 110। यस सर। आयरन का 190। 190। ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस की बेसिक फॉर्मूला होती है FL अपॉन ए डेल्टा एल। अब यहाँ बोला लोड सेम है, सो FL है या ए FL है? हाँ सर। लोड सेम मतलब फोर्स वही रहेगा, लेंथ दोनों की सेम है 2 मीटर, तो सिंपल बात है तीनों को साथ में लटका है तो चेंज इन लेंथ भी सेम आएगा। तो सिर्फ एक ही चीज रहेगी, वो डिपेंड करेगी 1/a पे। और तुम्हें पता है एरिया पायर स्क्वायर होता है, मतलब वाई प्रोपोर्शन होगा 1/r². समझ में आई ये बात? यस तो हम इसमें लेंगे वाई कॉपर डिवाइड बाय वाई आयरन, ठीक है? आयरन सामने मिलेगा, वन अप ऊपर आएगा, उल्टा आएगा, r² आयरन डिवाइड बाय r² अगर कॉपर। उल्टा करके आया इन्वर्सली यस अपॉन, सर। देख सकते हैं r आयरन अपॉन r कॉपर अंडर अंडर रूट y रूट कॉपर अपॉन वाई। y आयरन। ठीक है, वैल्यू डाल दें, यस सर। y कॉपर की वैल्यू 110 10^9, y नाइन आयरन की वैल्यू 1 9 7 9। टू तो इसको सॉल्व करें, कटने वन वन जीरो डिवाइड बाय 1 9 0.58। ठीक है, तो 0.5 सर, जीरो करते पॉइंट सेवन सिक्स वन हैं, 0.76। तो ये बन जाएगा आर आयरन अपॉन आर कॉपर इज इक्वल टू 0.76। रेशियो ऑफ द डायमीटर, ठीक है, आयरन अपॉन 0.76 आएगा, ये डायमीटर रेशियो फाइंड करें। रेडियस का रेशियो 0.76 आया, तो बता डायमीटर का रेशियो क्या आएगा? डबल। बस यहाँ तुम्हारी गलती हो जाती है, रेशियो सेम रहेगा, क्यों डबल हो? क्यों सर? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों ऊपर नीचे, तो हाँ सर। हाँ यहाँ हाँ हो जाएगी तो, ना। हाँ, तो वहां थोड़ी 2 से मल्टीप्लाई होगा, रेशियो सेम रहेगा ना। अच्छा जैसे एक का रेडियस है 5, दूसरे का रेडियस समझो है 10, तो रेशियो क्या है r/r2? 1/2 आएगा। इसका तो डायमीटर क्या होगा? इसका डायमीटर होगा 10, इसका डायमीटर क्या होगा? 20, तो भी रेशियो 1/2 ही दो आएगा ना। तो यस सर। हम जल्दबाजी मत गलत कर देना ये, ठीक है। है? और लिख लो फास्ट।